विद्यार्थी, पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बड़े विचार। बड़ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ब्लैकबोर्ड क्या है बड़ विचार। बड़ कहते किसे हैं, जिसके द्वारा ध्वनि का लघुतम अंश व्यंजित किया जाता है उसे बड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़। जिसके द्वारा ध्वनि का लघुतम अंश व्यंजित किया जाता है उसे बड़ कहते हैं, या बड़ उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। बड़ उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। उसके बाद ये अगला पॉइंट है अक्षर। न क्षर क्षरणम यशमा तद अक्षरम, यानी कि ध्वनि का वह लघुतम रूप अक्षर है जिसका खंड नहीं होता है। ध्वनि का वह लघुतम रूप, लघुतम माने कहते हैं छोटा से छोटा, वह लघुतम रूप अक्षर है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। जैसे र हलंत धन आ, म हलंत धन अ, धन दंतिश हलन या विसर्ग। र में अ को जोड़े आ को जोड़ेंगे, र में आ को जोड़ेंगे क्या बनेगा रा, म में अ को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा म, क्या बन जाएगा राम। परंतु ये जो दांतिश है, इस आधा दांतिश को हम लोग विसर्ग के रूप में देखते हैं, यह संस्कृत शब्द बन जाता है क्या राम, क्या बनता है राम। उसी तरह से आप लोग पठरिका बताइए, पठती पठती को यदि खंड करेंगे तो हो जाएगा पहलन धन अ, धन ठहलन धन अ, टहलन धन छोटी। प में यदि अ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा प बनेगा, क्या बनेगा प। यदि ठ में अ को जोड़ेंगे क्या बनेगा पूरा ठ, और ती में ई को जोड़ेंगे तो ती, यानी कि शब्द क्या बन जाएगा पठती। ठीक है, अब देखिए अक्षर का अर्थ क्या होता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी नाश न हो उसे क्या जानते हैं हम लोग अक्षर जानते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट वर्णमाला। सभी स्वर व्यंजनों, सभी स्वर और व्यंजन वर्णों के वास्तविक समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं, सभी स्वर एवं व्यंजन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 50 है जो इस प्रकार है। देख रहे हैं आप लोग, अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ छोटी री बड़ी री ली ए ऐ ओ अ। ठीक है, ये होता है स्वर, क्या होता है स्वर। नीचे में दिया गया है व्यंजन, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ध अण, ट ठ ड ध न, प फ ब भ म। उसके बाद है य र ल व, तलाभिश मूर्धन्यश दंतश ह। छ छ नहीं होता है, परंतु उसमें अनुस्वार विसर्ग जीवामूल और उपधामानियां होती हैं, जो इस प्रकार पूरे वर्णों को मिलाकर के संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या 50 मानी गई है।